What's up guys, this is Khuram. Guys, आज के lecture में हम if function के बारे में study करेंगे, तो चलें आज का lecture start करते हैं. Guys, सबसे पहले जहां पर हमने function insert करना है, अब उस cell को select करेंगे. Let's suppose मैं ये D6 को select कर रहा हूं. Cell को select करने के बाद मैं यहां पर insert function पर click करूंगा, तो मेरे पास insert function का ये box open हो जाएगा. गाइस, आप इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स फार्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं. गाइस, अगर मैं इसके इस डाउन एरो पे क्लिक करूं और ऑल पे क्लिक करूं, तो आप यहां पे तमाम फार्मूलास को जो एक्सेल में है डिस्प्ले, उनका डिस्प्ले देख सकते हैं. अगर मैं किसी भी फार्मूले पे क्लिक करूंगा, तो उस फार्मूले का जो पर्पस है आप वो ये डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. गाइस, आप फार्मूलास को कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं. जैसे ये फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं. आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैं डेट एंड टाइम की कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैं ये डेट एंड टाइम के फंक्शंस को देख सकता हूं. गाइस, अब यहां पे सर्च फॉर अ फंक्शन, अब हम इफ फंक्शन को सर्च करते हैं. जस्ट आप यहां पे इफ को टाइप करें, यहां पे गो करें, तो ये देखें यहां पे आपका इफ फंक्शन सर्च होकर आ जाएगा. जस्ट आप इस पे क्लिक करके ओके करें, तो ये आपके पास इफ फंक्शन आर्गुमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा. गाइस, अब इफ फंक्शन के तीन आर्गुमेंट हैं, लॉजिकल टेस्ट. अगर आप इसके बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को यहां पर देख सकते हैं. वैल्यू इफ ट्रू सेकंड आर्गुमेंट है, इसके बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को यहां पर देख सकते हैं. वैल्यू इफ फॉल्स तीसरा आर्गुमेंट है, अगर इसके बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को यहां पर देख सकते हैं. गाइस, जो पहला आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि कंडीशन. हमने इसको कंडीशन देनी है जो ये टेस्ट करेगा. गाइस, अब यहां पे देखें, बी 6 के अंदर 15 लिखा हुआ है और सी 6 के अंदर 9 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कंडीशन देता हूं बी 6 ग्रेटर है C6 है, तो जो ये आंसर डिस्प्ले करेगा वो होगा बिगर. वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो स्मॉलर को डिस्प्ले करेगा. मैं ओके करता हूं, तो ये देखें आंसर हमारा आया है बिगर, क्योंकि इज इक्वल टू इफ B6, ये आपका B6 ग्रेटर है C6 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने बिगर को डिस्प्ले किया आंसर में. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्मॉलर को डिस्प्ले करेगा. लेट्स सपोज मैं इस 15 की जगह पर 7 कर देता हूं, तो ये देखें ये स्मॉलर हो गया, क्योंकि मैंने कहा था B6 ग्रेटर है C6 से. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बिगर को डिस्प्ले करे, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसने स्मॉलर को डिस्प्ले किया है. तो गाइज, हम इसकी एक और एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. गाइस, सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट, सेल को क्लिक किया C5 ग्रेटर देन D5. गाइस, आपका ये आर्गुमेंट पूरा हो गया है, तो अब आप ये कोमा डालेंगे जब आपका आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा, इनवर्टेड कोमास, तो आंसर डिस्प्ले करें हायर. अगर C5 ग्रेटर है D5 से तो आंसर डिस्प्ले करे हायर, अगर फॉल्स होगा तो आंसर डिस्प्ले करेगा लोअर, पैरेंथेसिस क्लोज. गाइस, जब भी आपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है तो उसको आपने इनवर्टेड कॉमास में लिखना है. नंबर्स को डिस्प्ले कराने के लिए यहां इनवर्टेड कॉमास में लिखने की जरूरत नहीं है. अब मैं एंटर करता हूं, इसको कॉपी करता हूं नीचे और पेस्ट कर देता हूं. गाइस, ये देखें, इफ C5, ये आपका C5 ग्रेटर है D5 से, ये आपका D5, तो उसने ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने हायर को डिस्प्ले किया. अब नीचे देखें, लोअर, C6 ग्रेटर है D6 से, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई है. जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लोअर को डिस्प्ले करेगा, अब उसने लोअर को डिस्प्ले किया है. अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर C6 ग्रेटर है D6 से, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो हायर को डिस्प्ले करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लोअर को डिस्प्ले करेगा.
गाइज इसकी मजीद एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गाइज मैं यहां पर बोनस के कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूं, इज इक्वल टू इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट एच टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, देन जो उसको बोनस दे वो हो 3000, अदरवाइज 0। गाइज अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, एच टू ग्रेटर होगा 4 से या इक्वल टू होगा 4 के, तो उसको 3000 बोनस देगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो उसको 0 बोनस देगा। हम 0 की जगह ब्लैंक कर लेते हैं कि सेल को ब्लैंक रहने दे। एक्सेल में अगर आप इन्वर्टेड कॉमास को 2 दफा लिखेंगे तो उसका मतलब है कि वो सेल को ब्लैंक रखेगा। अब मैं एंटर करता हूं और इस फार्मूले को यहां पर डबल क्लिक करके पेस्ट करता हूं नीचे, तो ये देखें यहां पर 3000 आ रहा है। अब देखें H3, ये आपका H3 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, ये इक्वल टू है 4 के, तो इसने इसको 3000 बोनस दिया है। अब ये देखें ये सेल एम्प्टी है क्योंकि H2 मैंने कहा था ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के होगा तो उसको 3000 बोनस देगा। अब ये 4 के इक्वल नहीं है बल्कि 4 से लेस है, तो उसने यहां पे सेल को खाली कर दिया है, यानी कि ब्लैंक रहने दिया है। लेट्स सपोज गाइज मैं यहां पर 3000 टाइप कर रहा हूं और फार्मूले में मैं चेंज करता हूं, इस 3000 की जगह मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूं और इसको मैं फिक्स कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। और अब मैं एंटर करता हूं इस फार्मूले के डबल क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। अब देखें अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, लेट्स सपोज 5000। अब देखें ये 5000 हो गया है क्योंकि मैंने कहा है अगर इज इक्वल टू इफ H3, ये H3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से अगर बड़ा है या बराबर है तो उसको J2 में जो वैल्यू है ये 5000 है, उसको 5000 बोनस अलाउड करे, अदरवाइज उसको ब्लैंक रहने दे। तो गाइज हम एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गाइज मैं यहां पर इफ का फंक्शन इंसर्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू इफ मैं कहता हूं अगर D4 इक्वल है यस के। गाइज जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, तो जो पॉइंट अर्न किए हैं वो शो करे, अदरवाइज 0 शो करे। मैं एंटर करता हूं, इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं। ये देखें गाइज मैंने कहा था इज इक्वल टू इफ D4 इज इक्वल टू यस, अब ये D4 यस के इक्वल है, ये D4 में यस है, तो देखें उसने F4 को डिस्प्ले किया है। अगर मैं ये 0 पे देखें, मैंने कहा था D7 इज इक्वल टू यस, अगर आप D7 में यस नहीं है नो है तो उस ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो 0 को डिस्प्ले करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो पॉइंट अर्न को डिस्प्ले करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो 0 को डिस्प्ले करेगा। अब ये देखें D4 इज इक्वल टू यस, यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसने पॉइंट अर्न को डिस्प्ले किया है। गाइज इसकी मजीद एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गाइज यहां पे सेल्स पर्सन के नेम है, सेल्स है और कमीशन, हमने इनको कमीशन रेट अलाउ करना है। लो पे 5% है, हाई पे 10% है। अब हम इसमें इफ का फंक्शन इंसर्ट करते हैं, मैं कहता हूं इज इक्वल टू इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट, अगर B6 ग्रेटर है इक्वल है 500 के तो उसको 10% कमीशन अलाउ करे। मैं इसको F4 करके फिक्स कर लेता हूं, कोमा नहीं तो उसको 5% अलाउ करे। मैं F4 करके इसको फिक्स कर रहा हूं, पैरेंथेसिस क्लोज एंटर, देन मैं इसको डबल क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। ये देखें गाइस अब यहां पे देखें B6 अगर ग्रेटर है इक्वल टू है 500 के, ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसने उसको 10% रेट अलाउ किया है। अब ये देखें मैंने कहा था B8 ग्रेटर है इक्वल टू है 500 के तो उसको 10% रेट अलाउ करे, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो उसने उसको 5% रेट को अलाउ किया है। गाइज ये कमीशन के अंदर मैं F2 कर रहा हूं, उसने सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है कमीशन रेट से,
तो आपकी कमीशन निकल आई है। गाइस अब हम कमेंट्स के अंदर आते हैं, मैं करता हूं इज इक्वल टू इफ B6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 500 तो कमेंट्स डिस्प्ले करे। गाइस जब भी आपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है एज अ आंसर तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है ग्रेट जॉब, अदरवाइज फॉल्स की अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रेट जॉब डिस्प्ले करे, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। गाइज मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं, इस पर डबल क्लिक किया कॉपी हो गया। देखें गाइज ये ग्रेट जॉब यानी कि B6 अगर ग्रेटर है और इक्वल है 500 के, ये B6 ग्रेटर है 500 से तो ग्रेट जॉब को डिस्प्ले करे, उसने ग्रेट जॉब को डिस्प्ले किया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम को डिस्प्ले करेगा। देखें यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो उसने बेटर लक नेक्स्ट टाइम को डिस्प्ले किया है। गाइज मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।